दोस्तों यदि आप एक फ्री फायर प्लेयर हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे फ्री फायर गेम के अंदर चार टाइप का मैप दिया गया है। एक है दोस्तों बरमुडा, दूसरा है पुर्गाटोरी, तीसरा है दोस्तों अल्फा इनो, चौथा है दोस्तों कालाहारी। लेकिन दोस्तों कालाहारी मैप सीएस रैंक के अंदर देखने को मिलता है, बीआर रैंक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों अब जब भी सीएस रैंक या फिर बीआर रैंक खेलने के लिए गेम को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में रैंडमली इन चारों मैप में से किसी एक मैप में गेम स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों आप अपना फेवरेट मैप को चूज करके गेम प्ले नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको एक ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा जिससे क्या होगा कि आप अपना खुद का फेवरेट मैप को चूज करके गेम प्ले कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों मान लीजिए कि आप बीआर रैंक खेलना चाहते हैं, मतलब बड़े बड़े रैंक खेलना चाहते हैं, तो इस केस में जो तीन मैप दिया गया है, इन तीनों मैप में से बरमुडा मैप आपके लिए फेवरेट है। तो बरमुडा मैप में ही आप किस तरीके से हर बार गेम प्ले कर सकते हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना आईडी ओपन कर लिया है, तो सिंपली से मैं यहाँ पे मैप वाले ऑप्शन पे प्रेस कर लूंगा। तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बीआर रैंक के ऊपर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे तीन मैप दिखाया गया है। एक है बरमुडा, पुर्गाटोरी और दोस्तों अल्पाइन। तो इन तीनों मैप में से किसी भी मैप में यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं यहाँ पे गेम स्टार्ट करता हूँ, तो इन तीनों मैप में से किसी एक मैप में गेम स्टार्ट होगा जिसपे ही मुझे खेलना होगा। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे बीआर रैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गेम स्टार्ट करता हूँ, मतलब बड़े बड़े रैंक को यहाँ पे खेलने के लिए स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसे में चलिए देख लेते हैं कि इस बार यहाँ पे कौन सा मैप मुझे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन सा मैप मुझे यहाँ पे दिया गया है। तो वालो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार मुझे यहाँ पे बरमुडा मैप दिया गया है। तो बरमुडा मैप सबका फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है। तो आपका कौन सा वाला मैप अच्छा लगता है वो आप सब कमेंट पे बता दीजिएगा। तो वालो गेम स्टार्ट करने पर रैंडमली मुझे यहाँ पे बरमुडा मैप दिया गया, इसका मतलब मुझे यहाँ पे अभी बरमुडा मैप में ही गेम प्ले करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम गेम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस बार मुझे यहाँ पे कौन सा वाला मैप मिलता है। जैसे कि यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है, तो चले अभी देखते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार मुझे यहाँ पे अल्पाइन नाम का जो मैप है वो वाला मैप मिला है। इसका मतलब दोस्तों रैंडमली इस बार मुझे यहाँ पे अल्पाइन का मैप दिया गया है जिसपे मुझे अभी यहाँ पे गेम प्ले करना होगा। तो वालो जितना बड़ा गेम को स्टार्ट करेंगे, हर बार अलग अलग मैप आपको मिलेगा जिसपे आपको गेम प्ले करना होगा। दोस्तों यदि आपके लिए कोई मैप फेवरेट है, तो वो वाला मैप बार बार आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि आप सीएस रैंक वाला गेम खेलते हैं, तो उसमें भी दोस्तों आपको रैंडमली मैप मिलेगा जिसपे आपको गेम प्ले करना होगा। तो वालो कैसे आप सीएस रैंक या फिर वीआर रैंक गेम को आप अपने फेवरेट मैप के अंदर ही खेल सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, तो चलिए अभी आप सबको दिखा देते हैं। तो वालो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में अपना आईडी ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डाउनलोड सेंटर का ऑप्शन दिया गया है, इस वाला आइकन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके सामने काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तीन नंबर पे आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैप का ऑप्शन दिखाया गया है, जिसके अंदर दोस्तों चार मैप दिखाया गया है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, एक है अल्पाइन, दूसरा है बरमुडा कालाहारी और दोस्तों पुर्गाटोरी। तो भाई लोग मान लीजिए कि बरमुडा मैप आपके लिए फेवरेट है और आप बरमुडा मैप में ही रेगुलर गेम प्ले करना चाहते हैं, चाहे सीएस रैंक हो या फिर बीआर रैंक हो, तो इसके लिए क्या करना है कि बरमुडा मैप को छोड़ के ये जो तीन मैप यहाँ पे दिखाया गया है, इन तीन मैप को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों जिस वाले मैप पे आप नहीं खेलना चाहते हैं, उस वाले मैप को आपको यहाँ पे डिलीट करना है। तो मैप डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि डिलीट का आइकन दिखाया गया है, तो इस वाले आइकन पे सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। तो ऐसे में दोस्तों मैप डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जिस मैप में नहीं खेलना चाहते हैं, उस वाले मैप को डाउनलोड सेंटर से डिलीट कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बरमुडा मैप को छोड़ के इन तीन मैप को यहाँ से डिलीट कर दिया है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे इसे डिलीट करना है। उसके बाद दोस्तों यदि आप बीआर रैंक या फिर सीएस रैंक खेलते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको बरमुडा मैप ही दिया जाएगा जिससे आप गेम प्ले कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अभी यहाँ पे बीआर रैंक वाला गेम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे मुझे कौन सा वाला मैप मिलता है। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे मुझे बरमुडा मैप ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये गेम स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं।
तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे मुझे बरमूडा मैप ही दिया गया, क्योंकि दोस्तों जो तीन अलग मैप था उसे मैंने डिलीट कर दिया। तो भाई लोग आपका जो फेवरेट मैप है उसे छोड़कर यदि आप तीन मैप को डिलीट कर देते हैं तो ऐसे में दोस्तों बार बार आपको अपने फेवरेट मैप में ही गेम प्ले करने को मिलेगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बरमूडा में गेम प्ले करने को मिला है। तो जितने बार मैं यहाँ पे गेम को स्टार्ट करूंगा हर बार दोस्तों मुझे यहाँ पे बरमूडा पे ही गेम प्ले करने को मिलेगा, चाहे CS रैंक हो जाए या फिर BR रैंक हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया है कि किस तरीके से आप CS रैंक या फिर BR रैंक के अंदर आप अपना खुद का मैप को चूज करके गेम प्ले कर सकते हैं। सो भाई लोग आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और जब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन पे क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई फ्री फायर जानकारी वीडियो आप सबके लिए डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।